मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टडी गोइंग टूडे चैप्टर 3 जीके एनिमल साउंड, है ना। एनिमल साउंड के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एनिमल साउंड मीन्स होता है, एनिमल मीन्स होता है पशु, जानवर, है ना, और साउंड मतलब होता है आवाज़। तो हम यहाँ पर एनिमल साउंड के बारे में पढ़ेंगे, जानवरों की आवाज़ के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड सो कम्युनिकेट। अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के आवाज़ निकालते हैं। आप लोग सभी सुनते भी होंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे साउंड दिया गया है जिसको आपको इसमें फिल करना है, सेलेक्ट करके, है ना। तो फिल इन द करेक्ट आंसर फ्रॉम द क्लब बॉक्स गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे एनिमल्स का पिक्चर भी दिया गया है ना। तो चलो फर्स्ट देखते हैं हम। इफ़ आई वेयर इन एप, आई उल्ड, अगर मैं एप हूँ, है ना, वानर हूँ, तो उनका आवाज़ कैसे होगा। गिबर, ठीक है, तो यहाँ पर इसका आवाज़ कैसे होता है, बड़बड़ाते रहता है जो बंदर है वो, है ना, आप सभी देखे हैं, देखते भी होंगे। सेकेंड है इफ़ आई वेयर अ बैट, बैट मीन्स होता है चमगादड़, अगर मैं चमगादड़ होता तो उसका आवाज़ कैसा होता, स्क्रीच, ठीक है, स्क्रीच मतलब घू घू करके चिल्लाता है ना, उसका साउंड कैसा होता है चमगादड़ का, घू घू, स्क्रीच, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्क्रीच। थर्ड नंबर है इफ़ आई वेयर अ क्रो, आई उल्ड, अगर मैं क्रो होता तो कैसा होता उसका आवाज़, कौ, कौवा, क्रो मीन्स कौवा, उसका आवाज़ कैसा होता है, सुने होंगे आप लोग, सुनते भी हो, है ना, काँव काँव, ठीक है, यहाँ पर ये कौवा है, देखो क्रो है। फोर्थ नंबर है इफ़ आई वेयर अ डक, आई उल्ड, अगर मैं डक हूँ, डक मीन्स बदक, तो उसका आवाज़ कैसा होता है, क्विक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है इफ़ आई वेयर स्पायरो, स्पायरो मीन्स चिड़िया, तो उसका आवाज़ कैसा होता, ची ची, कैसे आवाज़ करता है स्पायरो, ची ची ची, है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ची, ठीक है, ऐसा लिखेंगे ये। उसके बाद है सिक्स नंबर, इफ़ आई वेयर अ स्नैक, स्नैक कहाँ पर है, ये स्नैक, है ना, स्नैक मीन्स क्या होता है, सांप, आई उल्ड, तो उसका कैसा होता है, उसका साउंड हिस, वो जो क्या करता है, फुंकार मारता है ना, फुंकार मारता है अपने वो से सर। उसके बाद नेक्स्ट सेवन है इफ़ आई वेयर अ जैकल, अ उल्ड, जैकल मीन्स होता है सियार, शेर का बच्चा, ठीक है, उनका साउंड कैसा होता है, होल, मतलब क्या करता है वो, रचता है ना। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ आई वेयर अ फ्रॉक, फ्रॉक मीन्स होता है मेढक, अगर मेढक है तो उसका आवाज़ कैसा होगा, कैसा होगा उसका आवाज़, कौ, टटराना, मेढक कैसे करता है, टटराता है ना, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, क्रॉक। इफ़ आई वेयर अ आउल, आउल मीन्स होता है उल्लू, ठीक है, आउल मीन्स क्या होता है, उल्लू, तो उल्लू का आवाज़ कैसे होता है, अगर उल्लू है तो उसका आवाज़ कैसे होगा, हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ आई वेयर अ वेल, आई उल्ड, वेल, वेल मछली, है ना, जो दूध पिलाने वाली मछली होती है, उनका साउंड कैसा होगा, शी, गुणगान करता है ये इसका साउंड कैसा होता है, गाना जैसे गाता है ना, सिंग करता है ये। तो उसके बाद यहाँ पर दिया है ऊपर में, देखिए क्विक फैक्ट में क्या दिया है, बीस हम एंड प्लीज बज, एट नाइट इन अ फॉरेस्ट वन कैन हेयर अ वैरायटी ऑफ साउंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इंसेक्ट, जो मधुमक्खी और जो मक्खियाँ हैं वो क्या करती है, भिन भिनाती है, भिन 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 करके मधुमक्खी और मक्खियाँ का आवाज़ सुने होंगे आप लोग, है ना। एक रात में जंगल में कीड़े द्वारा उत्पादित कई तरह की, जैसे
जंगल में बहुत सारी कीड़े होते हैं, है ना। उसमें बहुत सारे जो कीड़े हैं वो अलग अलग प्रकार की साउंड निकालती हैं। तो एक रात में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कीड़े की आवाज़ को, अलग अलग आवाज़ को आप सुन सकते हैं एक जंगल में, है ना। बहुत सारे कीड़े होते हैं, उन लोग अलग अलग प्रकार के आवाज़ निकालते हैं, है ना। तो अलग अलग प्रकार के आवाज़ को क्या कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं। उसके बाद मोर अबाउट एनिमल्स, कुछ और एनिमल के, एनिमल साउंड के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ईगल है एंड पीकॉक केम टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर हेनस मैक अ टिंग साउंड, ठीक है। जो ईगल, हॉक और मोर है वो एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए, बातचीत करने के लिए क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, है ना। तो ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको। आप अपने बुक में क्या करोगे, वर्क करोगे और मुझे पर्सनल नंबर पर सेंड करोगे।